चैंपियंस ट्रॉफी की जीत से मुतालिक मजीद बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज इस वक्त फास्ट बॉलर रोमान रईस के घर पर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के खूबसूरत लम्हात के बारे में उनकी क्या राय है। महमूद बताएगा रोमान रईस क्या कहते हैं इस बारे में। जी, इस वक्त हम पाकिस्तान के एक सुपरस्टार रोमान रईस के घर मौजूद हैं, जो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंग्लैंड पहुंचे तो पाकिस्तान की फतवात का सिलसिला शुरू हुआ। सेमीफाइनल की टीम के ये रुकन थे, जिसमें इन्होंने दो खिलाड़ियों का आउट किया और उसके बाद फाइनल तक रसाई हासिल की। बहुत बड़ा एजाज है रोमान पाकिस्तान के लिए। कैसे देखते हैं जब आप पहुँचे तो टीम कितनी डिमोरलाइज थी और फिर क्या हुआ? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि माशाल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत नवाजी है और बड़ी खुशी हो रही है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। और सबकी दुआएं थी, सबकी सपोर्ट थी हमारे साथ पूरे पाकिस्तानी कौम की, और सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। जी, जब मैं टीम में पहुंचा हूं और जब हमें साउथ अफ्रीका वाले मैच में पहुंचा था उस दिन, और जब हम लोग जब मैं पहुँचा तो मुझे पता चला है कि पाकिस्तान 19 रन से मैच जीत गया डी एल के मैथड के थ्रू, तो बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो जीत गए। उसके बाद फिर श्रीलंका से जो मैच हुआ, बड़ा अच्छा मैच हुआ, लो स्कोरिंग मैच हुआ, बड़ा अच्छा इनिंग खेली सरफराज और आमिर ने, तो वो जो मैच था उससे हमारी टीम को बूस्टअप मिला, एक बड़ा अच्छा मोमेंटम हमारा बन गया। फिर उसके बाद जब हम सेमीफाइनल में आए तो मुझे मौका मिला तो मैं जितना अपनी हद तक चाह के कर सकता था परफॉर्म मैंने किया, और अल्लाह ताला की मदद से मुझे इज्जत भी मिली। यकीनन जब खिलाड़ी को इज्जत मिलती है तो उसके साथ उसके अहले खाना भी होते हैं, और ये हमारे साथ इनकी बहन भी हैं और वालदा भी हैं। कितना प्राउड फील करती हैं कि रोमान जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है? माशाल्लाह, बहुत खुश हूँ, बहुत जो है ना खुश होती हूँ। अल्लाह ताला इनको इसी तरह पाकिस्तान खिलाता रहे और ये दिल लगा के मेहनत करके खेलते रहे पाकिस्तान के लिए, इससे बड़ी और खुशी। रोमान की बहनों से भी हम बात करते हैं, एक भाई जो है बड़ा महान होते हैं, अब जो पाकिस्तान का एक सितारा है, कैसा लगता है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है। हमारे जज्बात का तो आप लोग सब अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि माशाल्लाह माशाल्लाह भाई तो है जो टीम में है, लेकिन माशाल्लाह जो पाकिस्तान जीत के आए हैं उसका तो और भी इनकी बहन है। आप बताइए, आप बेटा क्या कहेंगी मामू के लिए? मैं बहुत खुश हूँ। ये खुश हैं, और यहाँ पर एक रोमान की टी शर्ट पहनकर इनकी भांजी है। आप क्या कहेंगी? मामू की टी शर्ट तो आपने पहनी हुई, बड़ी मुश्किल से ये टी शर्ट मिलती है, क्या कहेंगी मामू के लिए? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, रोमान के वालिद हमारे साथ हैं। सर, बड़ा फ़खर का मुकाम है पूरे पाकिस्तान के लिए, आपका बेटा भी है, क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये इज़्ज़त और एजाज किसी किसी को मिलती है, अल्लाह ताला ने इस शक्ल में मुझे एक तो बेटा मुझे बहुत सआदतमंद अता फरमाया, फिर पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की खिदमत करने वाला बच्चा पैदा हो गया ये मेरा। ये देखिए कि ये पाकिस्तान का वो यंग टैलेंट है कि जो कि इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो वो रूल कर रहा है, और रोमान रईस की जो है वो पीएसएल में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की तरफ से भी, तो ये वो यंग टैलेंट है कि जो अब पाकिस्तान टीम के जो है दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, और आगे भी मजीद कामयाबियाँ और कामरानियाँ जो है वो इनके हिस्से में आएंगी। जी,